हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि होगी 4 फरवरी 2019 से प्रारंभ होकर के 5 मार्च 2019 रात्रि 11:59 पर आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है cgpsc.gov.in पर जाकर के आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें देखें तो इसकी जो शुल्क होगी वो शुल्क नीचे दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें, भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन पत्र आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उसका विवरण नीचे दिया गया है। तो ये जो है केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित है जो पद है, और इसमें कुछ रिक्त जो वर्गवार संख्या में दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, राजनीति, हिंदी, गृह विज्ञान, वाणिज्य, रसायन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, और ऐसे विभिन्न इतिहास, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, ट्रेसर टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर, भूगर्भशास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, विधि, संस्कृत, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वानिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, और देखें तो इस प्रकार 13,384 पद के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय है, यह विभागीय संबंधित नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा गया है। तो इसमें देखें, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें देखें तो ये पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर, श्रेणी जो होगा राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के होंगे। इसके वेतन मैट्रिक्स होंगे 15,600 से 39,100, और उसमें AGP 6,000, और तो इस पर देखें तो 57,700 रुपये इसका जो अकादमिक स्तर पर इसका वेतन है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक अथवा एवं 7 बिंदु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड बी तथा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय के समकक्ष उपाधि। उसके बाद देखें तो इसकी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या फिर राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसमें देखें तो वे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 जुलाई 2009 में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए एमफिल पीएचडी पाठ्यक्रम पंजीकृत है, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्था के तत्काल अध्यादेश उपविधि विनिमयों द्वारा शासित होंगे। पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीनस्थ न्यूनतम पात्रता शर्तें छूट प्राप्त होगी। इसमें देखें, अभ्यर्थियों को केवल नियमित पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो, कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंधन का मूल्यांकन किया गया हो, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हों, जिसमें से कम 1 पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से 2 पेपर संगोष्ठियां सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों, अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालन किया गया हो। अब इसमें देखें तो अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड से अभिप्रेत है कि स्नातक अंडर ग्रेजुएट न्यूनतम जो होंगे 50% होना चाहिए, यूजीसी के परिवर्तन तालिका के अनुसार प्रतिशत अंकों के अनुसार परिवर्तित
किया जाएगा। इसमें दिया गया होगा श्रेणी बिंदु दिया है ओ जो है 5.50 से 6.00, समतुल्य प्रतिशत होंगे 75 से 100। ए ग्रेड देखें तो 4.50 से 5.49, 65 से 74। बी देखें 3.50 से 4.95, ये होंगे समतुल्य 55 से 64। अस्सी देखें तो 2.50 से 3.49, ये होंगे 45 से 54%। अब इसकी जो होगी इसकी सिलेबस भी देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क होगी ऑनलाइन आवेदन जो को शुल्क जो होंगे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रिमिलियर को में ये जो है 300 रुपये और शेष बाकी जो छत्तीसगढ़ के बाहर निवासी आवेदक के लिए 400 रुपये का आवेदन शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों पर आवेदित कर सकता है। इसमें ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित तो यह यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो ऑनलाइन के संबंध में है। उसके बाद देखिए इसकी जो सिलेबस है चयन परीक्षा योजना परीक्षा कैसे होगी। चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा, द्वितीय चरण साक्षात्कार। ऑनलाइन परीक्षा जो होगी वो 300 अंक का होगा, साक्षात्कार 30 अंक का। इस प्रकार कुल 330 अंक का क्वेश्चन होगा। ऑनलाइन परीक्षा देखिए तो ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र अनुसार होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान जो होंगे 50 प्रश्न होंगे 100 अंक के और संबंधित विषय 100 प्रश्न होंगे 200 अंक के। इस प्रकार टोटल 300 अंक का 150 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें देखें ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न प्रकार के होंगे, जिसमें अबसदा इसके ऑप्शनल होंगे, जिसमें एक जो आंसर होगा वो सही होगा। उसके बाद देखें पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट 2 में दी गई है, देखेंगे दोस्तों उसको भी। ऑनलाइन परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मामले में अहरकारी अंक केवल 23% होंगे, तो आप 23% अंक लाना अनिवार्य है। साक्षात्कार के लिए कोई अहर्त न्यूनतम अंक नहीं है। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 3 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में अहर्य घोषित किया जाएगा वे साक्षात्कार के पात्र होंगे। चयन सूची उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणन क्रम एवं प्रवर्गानुसार किया जाएगा। इसमें देखें तो इस प्रकार ये है दोस्तों।